मार्केट आज तक लोगों को मालूम नहीं है कि वो किसके लिए बना है, क्या रीज़न है। और ये नहीं कि वो पत्थर जो है कम से कम आए हैं कुछ 2000 किलोमीटर दूर से, तो वो ज़माने में उनको उतने दूर से पत्थर ला के यहाँ पे बनाने के लिए क्या ज़रूरत थी। तो कोई बोलता है कि बरियल है, कोई बोलता है एलियंस का काम है, अलग अलग थीरीज हैं अभी तक, दे आर स्टिल इवॉल्विंग। बट एक फॉर श्योर है कि जो पत्थर है क्वेरी वेल्स से ये लोग इतना दूर लेके आए वो ज़माने में, और एक एक पत्थर कम से कम 4-5 हज़ार टन का है, सॉरी 4-5 टन का पत्थर है। तो सो इट्स अ मिस्टीरियस प्लेस, बट इट्स मोस्टली ट्रैवल्ड टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो, एंड देयर इज पूरा स्टडीज चल रहा है कि क्या है, किसके लिए किया होगा, क्या जरूरत थी आज से कम 5000 साल पहले लोगों 5000 में मैंने क्या था कुछ 1500-2000 साल पहले लोगों को इतने बड़े पत्थर ला के यहाँ पे करने थे। इट्स लाइक स्टोनहेंज। तो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है स्टोनहेंज, और यहाँ से कंप्लीट हो गया है विंडसर कैसल। बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब बकिंघम पैलेस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये कैसल। कैसल नहीं है, पैलेस। ओके, पैलेस। यहाँ से जाना है स्टोनहेंज के लिए, वॉकिंग जाएंगे तो 25 मिनट्स लगता है, और नहीं तो शटल बसेस भी है। और आज वीकेंड है तो टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। बस के लिए हम लोग लाइन में खड़े हो गए, और ये देखिए प्रॉपर इंग्लिश हेरिटेज है। नॉर्मली लोगों को इंग्लिश हेरिटेज हम लोग को विक्टोरियन एरा मालूम है ये, लेकिन इसे ब्रॉन्ज एज, उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, खेती करते थे। ब्रॉन्ज एज कितना मतलब पुराना है? बीसी है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। वो जो वहाँ पर रॉक रखा हुआ है ना, वैसे लोग सोचते हैं कि ऐसे लेके आए होंगे। ऐसे वाले शटल में हम लोग जाएंगे। ये रही लाइन हमारी खेतों के बीच में, पता नहीं कैसे गेहूँ के फसल के बीच में, पता नहीं कहाँ से लोग ये स्टोन लेके आके इधर रखा है। इसके बहुत सारे स्टोरीज हैं कि किस लिए, कोई बोलते हैं रिलीजियस है, कोई कुछ एक्सेट्रा, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। उस हिसाब से अभी तक इसके ऊपर रिसर्च ऑन है, अभी तक इन लोगों को पता नहीं चला है कि ये कहाँ से आया, किसने लाया, क्यों लाया। देखिए ओके, हम लोग पहुँच गए हैं स्टोनहेंज पे। फॉर्मेशन ऐसे सर्कल में है, ये फॉर्म किया हुआ है, बस यही है, और इससे आगे और जाने भी नहीं देंगे, यहीं से देखते हैं। ये देखिए बस यही है स्टोनहेंज, और वहाँ पर जो बाउंड्री बनाया हुआ है ना, वो टाइम का बाउंड्री बना हुआ है। ये फेंस तो अभी लगाया है,
भी खेत है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मिड विंटर सनसेट, मतलब यहाँ से ये एरो पोजीशन से हम देखते हैं गैप से। Why was Stone Age built here? बर्फ है क्या? ये देखिए नजदीक से यही पत्थर है। Take pictures. और ये गांव स्टोन एज का। इसके अंदर जा सकते हैं। माइंड योर हेड। ये देखिए ये लोग का बेड है, शेल्स। और इधर शायद खाना बनाते होंगे। अंदर अलाउड नहीं, लेकिन उनको अपना सामान ये वाला कर। देखिए एकदम पास से दिखा रही हूँ। चलिए हमारा टूर स्टोनहेंज का इधर ही ख़त्म हो रहा है, अब आगे बढ़ेंगे। ये बेंचेस देखिए कैसे बनाया है, पत्थर को जमा करके ऊपर लकड़ी लगा दिया है। अच्छा लग रहा है। कितने टूरिस्ट आए। देखिए चलते चलते कौन सा फ्रूट दिख गया, आप बताइए कौन सा फ्रूट है कमेंट करके। मुझे तो ये चेरी टमेटोज लग रहे हैं। और वाइट रोज देखिए कितना वाइट है, प्योर वाइट। मुझे लगे एक ही साइड में, देखिए इधर भी है, काफी है। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कितना बड़ा एरिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। बस लोकल स्ट्रीट है। सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है। कौन सा चर्च है? क्राइस्ट चर्च। लाइब्रेरी भी है अंदर। ये वाला म्यूजियम है ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड के जो कैंपस में 38 कॉलेजेस है, इतना बड़ा कैंपस है ये। स्कॉलर्स लोग ये अंडरग्राउंड में रीडिंग रूम है, वहाँ पर बैठ के रीड कर रहे हैं और हम लोग ऊपर चल रहे हैं। जोक पीजिए। ये सब अलग अलग कॉलेजेस ही है ये पूरे कैंपस में।
examination site. So when the student come from this side to that side, cross the bridge, they said, wow, examination again. That's why they said call it a sign bridge. Different places for the Oxford University students. They have a lot of, you see, they are a lot of board. They will have a... ये वाला नया लाइब्रेरी खुला है यहाँ पर. वो जो पहले वाला लाइब्रेरी उन लोगों को कम पड़ रहा था, छोटा पड़ रहा था, तो ये नया खुला है. बोलना यही वो जगह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से वर्ड्स को कंट्रोल करते हैं. नए वर्ड्स आए दिन डिक्शनरी में ऐड होते रहते हैं, यहीं से होते हैं. यही सबसे इम्पोर्टेंट था और यही सबसे लास्ट में बोल रही हूँ. तो सारे ऑक्सफोर्ड के बचपन से जो डिक्शनरीज हम लोग बचपन से क्या अभी भी डिक्शनरीज हम लोग रेफर करते हैं वो यहीं के हैं. रम एंड रेजिन आइसक्रीम, यमी. यहाँ पर ना हर एक दुकान का नाम ऑक्सफोर्ड से ही शुरू होता है, या तो शुरू होता है या तो एंड होता है. फैमिली ओन्ड है तो काफी सालों से यहाँ.